हो गया? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा पहले। राइट पावर सेट ऑफ ए, जहां पे ए इज एम्प्टी कॉमा वन। बोलो क्या आएगा पावर सेट में? पावर सेट में क्या आएगा बताओ? सर पावर सेट इज द लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। हाँ तो क्या आएगा बताओ? पहले तो वन आएगा, फिर एम्प्टी सेट आएगा, उसके सर एम्प्टी सेट और वन भी आएगा ना। एम्प्टी सेट और वन। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? पावर सेट। हाँ सर। सभी सर को एक बार वापस बता दो ना। कितनी बार बताओ मैं? शिवजी बता क्या दिक्कत है बोल। सर वो एम्प्टी सेट के बाद वन लिख के वापस एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं लिखा है भाई, ये पहले भी बताया था आप लोगों ने, एम्प्टी सेट नहीं लिखा है। एम्प्टी सेट तो अब एक एलिमेंट हो गया ना, तो उसको दोनों साइड देखो ना, एम्प्टी सेट को मैंने दोनों साइड इनक्लोज किया है ना सेट के नोटेशन में। तो एम्प्टी सेट को एज ए एलिमेंट समझो ना। यहाँ पे पावर ऑफ ए क्या होगा? एम्प्टी ए A, B and AB। ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हो गया सर। हाँ सर। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। इन सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड ट्वेंटी फाइव प्ले फुटबॉल, 26 प्ले टेनिस, 26 प्ले क्रिकेट, 9 प्ले बोथ बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, 11 प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 8 प्ले बोथ टेनिस एंड क्रिकेट। सर आपने तो अभी टेनिस एंड क्रिकेट लिखा, फिर क्रिकेट एंड टेनिस लिख रहे हैं आप? नहीं यार, सर आपने वो दो बार लिख दिया भाई। सर सर अभी फुटबॉल एंड टेनिस आएगा। हाँ सर।
बात कौन है कि तुम यहाँ से पता नहीं क्या करती है तुमको ऊपर भी लगवा दूंगा वही वाला अरे जो ये वाइट वाला लगा रहे थे तुमको थोड़ा जो होना होगा तुम कहे थे ये लोग उसको उधर ले जा रहे हैं ना नहीं। पूछ तो जाए कितना करना है क्या करना है बता दो फाइनल सर्वे और सिटी बोले 425 तो 425 प्ले फुटबॉल दिस प्ले टेनिस दिस इज प्ले क्रिकेट 9 प्ले बोथ फुटबॉल एंड बॉल एंड number of people who read exactly 1 newspaper sir sir kya sports sir wrong the sports skills hai na sir sir gala ka point up kar rahe रेड नहीं होगा यार मेरे घर में एक्चुअली काम चल रहा है हल्ला कर रहे हैं लोग 3 प्ले ऑल गेम्स ठीक है ये अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन ये बताओ इसको कैसे अप्रोच करें बताओ सर वेन डायग्राम बनाएंगे पहले वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम हमेशा ध्यान रखना वेन डायग्राम हमेशा अंदर से बाहर भरते हैं कहां से कहां भरते हैं अंदर से बाहर ये फुटबॉल है ये क्रिकेट है ये टेनिस है सबसे अंदर क्या है बताओ तीन सर सेंटर में तो यहां आ गया है ना अभी फुटबॉल और क्रिकेट कितने लोग हैं सर 8 हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 5 ये बात समझ में आती है हाँ सर फुटबॉल और टेनिस कितने लोग हैं सर 9 जन है 9 यहाँ पे कितना आएगा सर 6 क्रिकेट और टेनिस कितने लोग हैं सर 11 है 11 यहाँ पे कितना आएगा ये अभी 25 लोग फुटबॉल खेल रहे थे ना तो कितने चले गए फुटबॉल में से बाहर 6 5 11 14 कितना बचा ओनली फुटबॉल तो 11 ओनली ओनली क्रिकेट कितना बचा सर ओनली टेनिस कितना बचा सर 9 सर 9 अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सर एग्जैक्टली वन स्पोर्ट एग्जैक्टली वन सर 11 प्लस 10 प्लस 9 ये बात समझ में आती है 20 30 तो वेन डायग्राम में ट्रिक बस एक ही होता है फिलिंग शुड बी फ्रॉम सर इनसाइड आउट इनसाइड आउट ये बात चमकती है उसमें कितना बचा बताओ अंदर कितना यूज आ गया बताओ सर अंदर तो सबका यूनियन होगा सर हाँ काउंट करो कितना आ रहा है बोलो
इसका वैल्यू कितना है, 11 + 10 + 90 30 आया ना, 30 आया सर। और 5 + 6 5 + 14 = 50 तो ये 8 कौन से लोग है, 8 प्ले None of the sports. 8 play none of the sports. बोलो भाई, इतना क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? नहीं सर। हाँ सर। यस सर। कॉपी हो गया? यस सर। बताओ बेटा कॉपी हो गया? हाँ सर। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 बी इज इक्वल्स टू 2 4 वेरीफाई दैट क्या होगा, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पावर ए इंटरसेक्शन सर वेरीफाई हो गया।
सर डन सर डन सर सर नहीं है यहाँ पर दिमाग खराब हो गया नेट। हाँ भाई हो गया क्या बेटा? हाँ सर। हाँ सर कैसे किया बताइए, कुछ करना है क्या सर? पहले इंटरसेक्शन भी करना है। एक चीज बताओ, नेक्स्ट वीक? हाँ अरे ब्लैंक सेट और टू। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो तुम लोग सेटल तो हो ही गए मैं, है ना? और मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा नेक्स्ट वीक क्लास की फ्रिक्वेंसी मैथ्स की बढ़ा लूँ क्या? यस सर। हाँ सर, क्योंकि दूसरे बैच में ना सर एग्जाम हो रहा है। सर सीईटी है, सीईटी देना है। सर एग्जाम हो रहा है सर, तो सीईटी करवा देंगे, सीईटी क्लास लगवा रहे हैं ना। ठीक है सर, खुद ब खुद ही पढ़ रहा है सर। ए इंटरसेक्शन भी तो 1,2 होगा ना। तुम क्या बोल रही हो, सीईटी का, सीईटी का क्लास लग रही है ना कमिंग वीक से? सीईटी का क्लास लगाने वाले थे ना शायद, लगेगा ना? बोलो तो है अकबर सर। मैं खुद ही कर रही हूँ। हाँ खुद ही कर लो, ज्यादा अच्छा है यार। मतलब हाँ पूरा सारे क्लास लगाया था 10वीं के लिए, तो फिर और नहीं लगा रहे फिर से। तो और नहीं लगाना है पागल, अपन जो पढ़ा रहे हैं ना अपन ही हेल्प करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ अपनी क्लास छोड़ लगाना है अपने को, नहीं समझी? नहीं समझी, नेक्स्ट वीक से ना हम लोग खुद ही क्लास लगा रहे हैं। मतलब जो जो 11th 12th के फैकल्टीज है ना अपने 10th वाले, वही लोग पढ़ाएंगे, क्लास नहीं लगाना है। ओह ठीक है, समझाने पहले थैंक यू। पावर ऑफ ए क्या होगा? बोला है मैंने अकबर सर को, लो तो कहे तो थे वो लगा देंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो? नल कॉमा 1,2,3 में घर में 1,2 भी आएगा, 3,2,3 और 1,2,3 और पावर ऑफ बी सर एक नल आएगा। अरे यार 16 लिखना पड़ जाएगा, मर जाऊंगा मैं तो। हाँ सर बहुत ज्यादा सर, बी में अच्छा बन भी है सर। 1,2,1,4,1,5 सर। 1,3 नहीं है फिर यहाँ पे। 1,2,4,1,2,5 वैसे वो काम का तो नहीं है ना अब तो, है ना? अच्छा अब देखो ना, सिंपल सी बात है ना, पावर ऑफ ए और इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी करोगे तो क्या होगा बताओ? नल और टू। हाँ बोलो। तो नल आएगा बेटा, एक तो वन आएगा, वन आएगा, टू आएगा, टू आएगा और एक वन कॉमा टू आएगा, हो गया समझे क्या? हाँ सर। अरे बोलो भाई, क्लियर है? वेरीफाई करना था ना बस, तो क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। कॉपी करो जरा।
कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ बंद करो उसको यार, उसको रहने उसको बंद करो यार। सॉल्व करो। सर 56 हाँ कितना है बताओ? 56 बना वेन डायग्राम? हाँ सर। चलो बनवाओ मुझसे। ये ए है, अंदर में 8 है, ये बी है और ये सी है ना। चलो बताओ सर, सर ए एंड बी 16 लाइक के ओनली है, छह है ना सर। हाँ सर, सर ओनली और ए और सी में 12 है तो यहाँ पे 4 आ गए है ना, और बी और सी में 14 है तो 6 आ गए। अब बाहर वाले में ए में कितना था? 21 था ना, तो 6 4 10 सर 3 आएगा। 3 ओनली बी में सर 6 आएगा, ओनली सी में 11। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। सबका सम जोड़ने पे कितना आ रहा है बताओ? सर 44 आ रहा है। 44 तो बाहर में कितना आ गया फाइनली? 100 माइनस 44 यानी 56। ये बात क्लियर है क्या?
ठीक है, कॉपी करिए सर। वो 664 कैसा है जरा एक बार वापस बता सकते हो? हाँ हाँ, देखना ये देखना, ए और सी कितने हैं? एंड सी 12 है, तो ए और सी 12 है, मतलब यहाँ पे कितना नंबर आना चाहिए? 12 नंबर आना चाहिए। हाँ सर। 8 तो लाल बीच में घुस गया। हाँ। कितना बचा? 4। समझा? हाँ सर। देख यहाँ पर ए और बी बोल कितने कितने होने चाहिए? 14। 8 अंदर घुस गया, कितना बचा? 6। क्लियर है? हाँ सर। हाँ अभी क्लियर है सर। कॉपी करिए। कॉपी करिए। रब करें। हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहां तक जो पोर्शन था ना, ये अपने मेंस के पोर्शन में भी आता है, काम का है। अब जो मैं करा रहा हूँ आपके स्कूल के लिए, ठीक है, तो 11th के स्कूल में, कुछ स्कूल में शायद करवाते हैं, तो आपको हेल्प करेगा, बट वो आना चाहिए बेसिक मेथड से। देखो, व्हेनेवर You have to prove two sets equal. तरीका एक ही होता है प्रूफ करने का। क्या तरीका होता है? आप प्रूफ करोगे A is subset of B, B subset of A, and B subset of A. आपको यही प्रूफ करना पड़ता है हर बार, ठीक है? मैं 2-3 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं एलिमेंट मेथड से कैसे करते हैं। बहुत सारे स्कूल नहीं करवाते हैं, कुछ स्कूल्स करवाते हैं, तो मैं करवा दे रहा हूं एलिमेंट मेथड, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं, ध्यान देना, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। टू प्रूफ A इक्वल टू B, यहां तक बात समझ में आती है क्या? ये प्रूफ करना है, ठीक है? अभी देखो ध्यान से, एलिमेंट मेथड से कैसे करते हैं ये समझने का प्रयास करो, ठीक है? चमक रहा है यार, क्या सब क्या चमक रहा है मेरे आपके, ठीक है? हाँ, तो देखो कैसे करते हैं स्टार्ट। फाइन, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ध्यान देना, ए बिलोंग्स टू ए। मैं क्या चाहूंगा प्रूफ करना, फाइनली ये प्रूफ करने के लिए, मैं देखो ए बी को भी बिलोंग करेगा। हाँ, ए बिलोंग्स टू बी, ए अगर ए ए को बिलोंग कर रहा है, That implies A जो है A union B को belong कर रहा है, बोलो हाँ या ना? Yes sir. अगर A A union B को belong कर रहा है, और given क्या है? Sir, A union B, sir, A union B is equal to A intersection B. That implies A किसको belong करने लगा? A intersection A intersection B. In? मतलब कि A B का भी part है। क्लियर है? यस सर। सर बाय डेफिनेशन इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर रहा है, दैट मींस ए कहां बिलोंग कर रहा है? बी को बिलोंग कर रहा है। यस सर। हां सर। दैट मींस फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए वी हैव प्रूव्ड दैट ए बिलोंग्स टू बी।
वी हैव प्रूव्ड ए बिलोंग्स टू बी, है ना? यस सर. दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी. ना, ए सबसेट ऑफ बी ना. अपन ने बस यही प्रूव किया ना कि भाई ए के अंदर का कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो बी के अंदर पाया जा रहा है. हमने बस यही प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट से. इतना सबको क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर. अभी नाउ लेट बी बिलोंग्स टू बी. दैट इंप्लाइज सर बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. दैट इंप्लाइज B belongs to A intersection B. That implies B belongs to A. For all B belonging to B. For all B belongs to A, हमने क्या प्रूव कर दिया? B belongs to A. We for all B belongs B to B belongs to A. A. That implies B is subset of A. हमने ये प्रूव कर दिया, है ना? हाँ. नाउ अगर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए है, दैट इज दोनों इक्वल हो गए. ए इज इक्वल टू बी. ए इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट मेथड. दिस इज एलिमेंट मेथड टू प्रूव द इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स. अपने सिलेबस में वी विल नेवर अप्लाई एलिमेंट मेथड. हम तो वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चन कर देते हैं. इसको पतली बुक दी क्या पहले? कितना पे पहुंचे महाराज? खत्म करो ब्याज. सर बोलो, वो लास्ट लाइन का फर्स्ट लेटर क्या लिखा? ये वाला? हाँ बताया था ना सेट्स के वक्त, तो फॉर ऑल पढ़ते हैं इसको. क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल यूनिवर्सल मल्टीप्लायर. फॉर ऑल सर एक और है ना सर, वो थोड़ा ई का उल्टा की तरह लिखते हैं. देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट. अरे कॉपी कर लिए? सर एक मिनट. सर हाँ सर, अभी रईस सर का क्लास है ना, 3:00 क्या सर? अभी फिजिक्स का क्लास है ना भाई? एपी फोर में मैथ्स का क्लास है ना आज? हाँ सर. सॉरी सर, 3:30-4:30 तक आप ही का क्लास है मैथ्स का. भाई ऐसे मत कंफ्यूज करो यार, ठीक है? संस्कृत केमिस्ट्री क्लास है, फिजिक्स नहीं है. रब करें? हाँ सर. हाँ सर. चल एक और करते हैं एलिमेंट मेथड से. देखो मैं तो ये कहूंगा कि मान लो समझ लो एक मेथड ऐसा है, छोड़ दो मतलब स्कूल में आएगा मतलब नहीं होता, ठीक है? तो जिस साल तुम लोग देने वाले हो बोर्ड, उस साल तो बोर्ड होगा ही यार. तुम लोग कब देने वाले हो बोर्ड? 2023 में ना, उस साल तो प्रॉपर बोर्ड होगा ही. डोंट वरी अबाउट दैट. हां सर. सर अभी रिजल्ट आया एसएससी का. हां अभी रिजल्ट आया एसएससी का. हां तो क्या करूं? टेंशन हो रहा है सर. टेंशन हो रहा है सर. ए बेवकूफ, क्या टेंशन हो रहा है? क्या सबको सबको पास होना है, सबके मार्क्स बढ़ के आएंगे इस साल. खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, चल मारो बे, ठीक है? चलो, और मरेगा इंडिया साथ में. एनीवेज, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने वेरीफाई किया था,
चलो इसको प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ करना है। क्या हुआ? हमने अभी वेरीफाई किया था ना बेटा, प्रूफ करेंगे। बताओ कैसे प्रूफ करें? सर वही सर, ले लेते स्मॉल इज एलिमेंट ऑफ ए। हां यहां पे दोनों साइड सेट है, पावर जो होता है पावर तो सेट होता है ना। तो क्या लिखोगे बोलो? लेट सर ए कॉमा बी। हां लेट एक्स, एक्स एक्स लिखेंगे ना बेटा, लेट एक्स कैपिटल एक्स सेट के लिए, लेट एक्स बोलो बेटा बिलोंग टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे x जो है क्या है, सबसेट है। yes, sir. x जो है एक सेट है, राइट? अरे हेलो, हाँ हाँ सर, x एक सबसेट। नाउ दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बोलो सर a, नहीं रे, पावर ऑफ a इज इन पावर ऑफ b ना। हाँ सर, ये प्रूव करना हमको, ये फाइनली प्रूव करना होगा ना। चलो तो आते हैं फिर। अगर x तुम्हारा साफ साफ लिख दूंगा, पहले छोटा के लिख दिया मैं, ये है x एलिमेंट है। तो अगर x तुम्हारा a इंटरसेक्शन b के पावर का एलिमेंट है तो इसका मतलब x जो होगा, x जो होगा तुम्हारा, हाँ बताओ, x को बोल सकते हैं कुछ? अगर x एलिमेंट है पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का, तो x जो होगा, मैं बोल सकता हूं कि x जो होगा सबसेट होगा a का। हाँ सर, और b का भी सर, क्योंकि पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b में a का भी चीज और b के भी चीज का जो इंटरसेक्शन है वही है ना, तो दोनों में होगा x। आई थिंक बहुत तो क्लियर नहीं हुआ, सोचो एक बार कि अगर x पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, अगर x, अरे बंद करो यार, अगर x पावर ऑफ, x अगर पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है तो x a का सबसेट कैसे होगा बताओ सर? क्योंकि x a में आता है इसीलिए। नहीं सर, a इंटरसेक्शन b मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, परफेक्ट। हाँ सर, तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में एक ही होंगे, तो एक सुन में से एक ही होगा ना अगर कॉमन एलिमेंट्स है। अगर मान लो दो कॉमन एलिमेंट हो गए तो भी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स के सबसेट बना रहे हैं ना सर, तो दोनों ए और बी में होंगे। ये बात क्लियर है? हाँ सर, सोच के देख लो एक बार, सबको क्लियर है? इसलिए इसलिए पिछला एग्जाम्पल देख लो एक बार, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर एक्स तुम्हारा ए का सबसेट हो गया, तुम्हारा x कहाँ बिलोंग करेगा? पावर ऑफ a को बिलोंग करेगा ना। हाँ सर। एंड x जो होगा पावर ऑफ b को भी बिलोंग करेगा, बोलो भाई, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। नाउ दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन पावर ऑफ b। ये बात क्लियर है? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया बताओ भाई? सर पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पावर ऑफ a। नहीं रे, नहीं रे, सबसेट है ना। अभी अपन कैसे करेंगे? लेट वाई एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी, दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बोलो पावर ऑफ ए, एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ बी, पावर ऑफ बी। अगर पावर ऑफ ए का एक्स एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स जो है ए का सबसेट है, x b का भी सबसेट है। यस सर। तो अगर x a का सबसेट, x b का सबसेट है, मतलब x किसका सबसेट है? a इंटरसेक्शन b का सबसेट हो गया। a इंटरसेक्शन b। तो अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है अगर x, तो ऑब्वियसली जो पावर सेट बनाओगे तो उसका एलिमेंट हो जाएगा ना x, है ना? यस सर। नाउ दैट इंप्लाइज क्या कि पावर ऑफ a सर इंटरसेक्शन पावर ऑफ b इज अ सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इन दोनों से क्या मालूम चला कि पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू साइन आएगा, इक्वल टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो सर। क्यूईडी मतलब
क्वाइट इजिली डन, मजाक किया है, इसका प्रॉपर कुछ होता है ना, लैटिन वर्ड है। क्वाड इराटा डिमोन्स्टैंडम, तुम लोग को क्या बचपन में पढ़ाया नहीं आता है क्या आजकल ये सब ज्योमेट्री वोमेट्री करने के बाद लास्ट में लिखते हैं सर, वो हेंस प्रूव्ड है सर। अब छोड़ो भाई तुम, बाकी मैथ्स कॉपी करो यार। सर पहले कभी सिखाया नहीं गया था, ये लिखना होता है प्रूफ होने के बाद। कॉपी कर लिए? हाँ सर। अभी कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? मतलब ले जाने के लिए। हो गया। ठीक है चलो एक और करते हैं, इसको वेन डायग्राम से प्रूव करना। ठीक है, शो दैट भारी खड़ा देगा दुकान, शो दैट ए सबसेट ऑफ बी इज इक्विवेलेंट टू A minus B is equals to phi is equivalent to A union B equal to B is equivalent to A intersection B is equal to F. क्या समझ उसका? हाँ, क्या प्रूव करना है इन चारों कंडीशन को? इक्विवेलेंट। हाँ तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं पहले लास्ट वाले पे आऊं, क्या मतलब हो रहा है इसका? ए इंटरसेक्शन बी ए आ रहा है ना, इसका मतलब सर बी इज द का मतलब यही हुआ ना, बी के अंदर ए है ना, इसका मतलब यही हुआ ना। यस सर। हाँ सर। अरे हाँ सर, इसका क्या मतलब है बताओ? ए यूनियन बी इज बी, ये कब होगा बोलो, सोचो सर। जब ए बी के अंदर है या बी ए के बाहर है, ऐसा होगा ना। हाँ सर। अब ये देखो ए माइनस बी फाई, नॉर्मली दो सेट कैसे होते हैं, ये ए होता है और ये क्या होता है बी होता है ना। ए माइनस बी क्या बोल रहा है सर? ए का वो पार्ट जो बी से बिलोंग नहीं करता, तो वो तो फाई है, वो तो फाई है ना, फाई है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ए बी के अंदर है, इसका मतलब तुम्हारा ए का सारा ए जो है वो बी के अंदर है, ये बात चमकती है। यस सर। इस पार्ट को नहीं होना है ना। अब ए इज सबसेट ऑफ बी, ये तो ऑटोमेटिकली दिख गया बी के, ये बात चमकती है क्या? चारों कंडीशन कैसे हमने प्रूव कर दिया वेन डायग्राम से, दे आर इक्विवेलेंट। इतना क्लियर है? यस हां सर। कॉपी करो।
सर लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी है। हाँ जब करें नहीं सर एक मिनट रब करें। हाँ सर ठीक। चैप्टर वन का मिसलेनियस कर लेना। मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, आपने शायद पता नहीं लास्ट टाइम दिखाया तो ना था नहीं, मैंने दो में दिखाया था, तीन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आपसे कहा था शायद कि बताना क्या होगा। हाँ सर हाँ सर है ना। तो यहाँ पे एज अ होल कितने रीजन्स हैं? सर एट 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 है सर। तो बताओ मुझे ए इंटरसेक्शन। सर आपने पहले दिया था शायद। हाँ सर आपने इंटरसेक्शन करके ढूंढा ना। हाँ 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 सर वो हो गया है। तीन वाला थोड़ा ना, तीन वाला नहीं हुआ, दो वाला हुआ है ना। नहीं सर तीन वाला दिया है सर, आपने तीन वाला होमवर्क दिया था। हाँ होमवर्क दिया था राइट। हाँ सर अभी अपन चेक कर लेते हैं ना फिर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन है? सबसे सेंटर वाला येलो वाला। येलो वाला है। एक मिनट नाम दे दूं मैं पहले इसको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। येलो वाला हो गया। तुम सोचते रहो मैं पहले सब सेटिंग कर दूं। ये लाल का है, ये ब्लू का है, ये ग्रीन का है, फिर डार्क वाले में जाएंगे। डार्क वाले में रेड यूज किया मैंने, तो रेड है, डार्क में ग्रीन है और डार्क में ब्लू है। और सर वाइट रेड वाइट है। हाँ चलो अब बताओ। तो वाइट तो अब बताओ मुझे रेड वाला कौन सा है?
सर रेड वाला ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ना रेड वाला क्या है ए और बी का पार्ट जो जो सी में नहीं है समझा ब्लू वाला क्या है बताओ सर सी कॉम्प्लीमेंट वो सी कॉम्प्लीमेंट है ना सर हाँ मैं से वही पूछ रहा हूँ सर हाँ ब्लू का बताओ सर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ग्रीन का बताओ सर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और बताओ ये बताओ सर सर वो वाला हाँ सर ए इंटर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट सर ये तो गलत हो गया सर A complement, B, say intersection B complement, intersection C complement. A complement, intersection B, intersection C complement. Complement, intersection B, complement, intersection C complement. देखो, एक बार मन में सोचो और समझ में आएगा सोच कैसे पर आप अगर फॉर्मूला ट्रीट करोगे फायदा नहीं करेगा और ये काम की चीज है करना है अपने को अरे क्लियर है क्या क्या सर इसको अपने को याद नहीं करना है ठीक है ठीक ये बनाने आना चाहिए अपने को ओके सर अरे क्लियर है क्या हाँ सर कॉपी करो इसको सर अगर वेन डायग्राम से सर कर सकते हैं तो फॉर्मूला ज्यादा नहीं लगेगा नहीं नहीं इजी हो जाएगा कॉपी करो जल्दी कॉपी करो सर ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश भी लिख सकते हैं ना हाँ कॉपी कर लिए यस सर कॉपी कर ले सब लोग अच्छे से कॉपी क्यों नहीं किए हेलो हाँ सर डन सर हाँ सर अच्छा मैंने चैप्टर थ्री मैंने एनसीईआरटी का दिया है कि नहीं दिया है अभी तक करने को हाँ सर चैप्टर थ्री दिया सर चैप्टर थ्री डिस्कस कर लिया है हाँ सर अरे भाई चैप्टर थ्री का 3.1, 3.2, 3.3 डिस्कस किया कि नहीं किया फिलहाल हाँ हाँ सर सर हो गया 3.4 नहीं वो नहीं कराया था अभी नहीं थ्री और थ्री का मिसलेनियस चलो ठीक है और अच्छा ठीक है अभी मुझे बताओ ये किया है अपने क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नो सर नहीं किया है नहीं किया है ठीक है तो ठीक है अपन नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्या हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स
इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी फॉर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. ये बात समझ में आती है? अरे ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगी. ठीक है, देखो क्या कह रहा हूं. ए इज इक्वल्स टू वन और टू, बी इज इक्वल्स टू एक्स और वाई. तो ए क्रॉस बी बोलो क्या आएगा? सर वन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, वन कॉमा एक्स, वन कॉमा वाई, टू कॉमा एक्स, टू कॉमा वाई. इजी है सर. ये बात चमकती है? सर ये ordered pairs भी तो एक element है ना सर. हाँ हाँ, इतना clear है क्या? हाँ सर. Cartesian product क्या होता है, clear है क्या? A is equals to 1, 2, 3. सर इसमें 1, 2 वगैरह नहीं आएगा ना? जो सर लिखा है वैसा देखो ना, ए कॉमा बी, जहां पे ए ए का है और बी बी का है. क्या हो गया? हाँ सर समझा. समझो सॉल्व करो. हर्ष कहाँ है सर? दोनों का आंसर एक ही तो आएगा. निकालो तो चेक तो करो. सही बात है, निकालो. वही प्रूफ करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा. कॉपी करो जल्दी करो. गया सर. दोनों सेम आए क्या? हाँ सर सेम ही आएंगे. क्या आ रही है वाली बताओ सर?
सेट ऑफ 1.4 2.4 3.4 बी इंटरसेक्शन सी क्या आया सर 4 ठीक है इनकी वैल्यू सेम आ गई ना क्या आई वैल्यू बताओ 1.4 2.4 एंड 3.4 अरे क्लियर है क्या हाँ सर अरे करके दिखाना है टाइम चाहिए बोलो नहीं सर समझा डन ठीक है चल नाइन होगा सर नाइन होगा यस सर हाँ सर क्लियर ये चीज हाँ सर इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज सर 1.2 सर हाँ सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर सर एन ऑफ ए अगर एक्स एन ऑफ बी अगर वाई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इनटू बी ये होगा एक्स वाई होगा हाँ 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 सम ऑफ एलिमेंट्स इन वन कॉमा टू माइनस वन कॉमा वन एंड एन ऑफ ए इज थ्री फाइंड ए सर माइनस वन वन कॉमा टू कैसे बताओ सर इसमें तीन ही एलिमेंट्स दिखाए ना माइनस वन वन और थ्री तो सिंपल सी बात है ना कि ए अगर ऐसा है और ए से ए में मैपिंग का सिंबल दिखा रहा हूं मैं वो क्या बोल रहा है ए क्रॉस ए में कि अगर ए क्रॉस ए किया है तो मतलब ए से ही ए को क्रॉस किया ना तो अगर ए का वन यहाँ पर है और टू यहाँ पर है अरे समझ रहे हो तो टू यहाँ पे भी होगा वन वहां पे भी होगा तो टू को तो यहाँ भी होना पड़ेगा ना और वन को यहाँ होना ही पड़ेगा ना ऑटोमेटिकली माइनस वन भी है ना और माइनस वन भी है हाँ सर, अरे ये बात चमक रही है क्या हाँ सर हाँ सर देखो ए ऐसा लिखा और ए ऐसा लिखा ठीक है यहाँ पर वन आया और यहाँ पर टू आया यहाँ पे माइनस वन आया और यहाँ पे वन आया तो ऑटोमेटिकली बात दोनों यही है ना इसका मतलब क्या होना पड़ेगा टू को यहाँ पे जाना पड़ेगा अरे हाँ या ना सर अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ सब लोग भाई हाँ समझा सर अरे सभी लोग क्लियर है हाँ सर कॉपी करो यार तो बोल नहीं रहा है कुछ यार मैं समझ में नहीं आता है सबको क्लियर है ना यार हाँ सर क्लियर है बताओ तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा वन एक्स बी चमक रहा है वन वाई ए वन वाई बी वन वाई बी मतलब राइट वाला
राइट से लेफ्ट तक चेंज करते जाने का ना. हाँ, टू एक्स ए टू एक्स बी चमका. हाँ सर समझाएगा. फिर क्या होगा बोलो. टू वाई ए एंड टू वाई बी. टू वाई बी क्लियर है क्या बोलो. हाँ सर. ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है. हाँ सर क्लियर है. कॉपी करो. अच्छा सर, सर तीन सेट्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स तीन आएगा. ऑर्डर्ड ऑर्डर तीन आएगा. तो फिर सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर. एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ. अरे ऐसे ऐसे लिखा है नीचे ने वैसे करेंगे. और क्या देखो सर, मतलब ए का पहला एलिमेंट बी का एलिमेंट और फिर सी का एक दो लिखेंगे फिर वैसे करके करना होगा. हाँ. ठीक है. हेलो. हाँ सर. हाँ सर. सर आपने बी कॉमा ए के बाद क्या लिखा. इफ मीन मीन इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए मीन डिफरेंट थिंग. अरे ये क्लियर है क्या. हाँ सर.
सिंगल वेरी हाई एनर्जी क्वांटा रिलीज नहीं करना चाहेगा. एक सिंगल वेरी हाई एनर्जी मतलब एक सिंगल वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल वेरी लो वेवलेंथ क्वांटा. ऐसा क्या ही है? सर कौन इतना जोर से बोल रहा है? सर पता नहीं एनर्जी हाई हो गई उसकी. कोई रिलीज नहीं करना चाहेगा तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमें दिख जाता है ऐसा वाला ड्रॉप. जो लो वेवलेंथ वाला रीजन है इस वाले रीजन पे हमें दिखता है ये ड्रॉप. साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह से जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमें हाई एनर्जी रेडिएशन एमिट होती है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो हम वेव नेचर ऑफ रेडिएशन के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बट उसको हमने एक्सप्लेन किया किससे? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन से. अब हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे फेनोमेनन की जो सपोर्ट करता है. सर वो अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. हां सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे हैं. अपने क्लास का बच्चा थोड़ी नहीं है सर, वो लगते स्कूल का पढ़ाई पढ़ रहा होगा. ये बात तो सही नहीं है ना. डन सर. कॉपी कर ली है? हाँ सर. देखो इसी क्रॉस प्रोडक्ट को मैपिंग में भी दिखाया जा सकता है. दिखा देता हूँ. ए अगर 1, 2 है ठीक है, और बी तुम्हारा 1, B है, तो ए क्रॉस बी को अगर मैपिंग में दिखाया जाए तो क्या होगा? ये ए है और ये बी है, तो 1, 2, AB. तो 1 का ए. ये समझ में आया कि मैंने क्या किया है? 1 is attached to A, 1 is attached to B, 2 is attached to A, 2 is attached to B. ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझा. कॉपी करो इसको. कॉपी कर लिए? हाँ सर. सर एक मिनट. यस सर. रब करें? हाँ सर. रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ A cross B. Relation is any subset of A cross B. A cross B. बस ये बात चमकती है? हाँ सर.
डोमेन इट इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन ordered pair belonging to A cross B. Arrange it is the set of all the second elements in ordered pair belonging to A cross B. Codomain the set B is called codomain. ये copy करो चार चीज फिर समझाता हूं मैं इसका मतलब. हो गया सर. ठीक है मान लो ए क्रॉस बी क्या होगा बताओ सर. ए वन ए टू बी वन बी टू. ये बात चमकती है. हाँ सर. तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे. नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे बताओ. नहीं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा. नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक्स बी ए क्रॉस बी. ये बात चमकती है. हाँ सर. तो यहाँ पर कितने सबसेट आएंगे. 16 ना. हाँ सर. यहाँ पर 16 सबसेट आएंगे ना. एक तो एम्प्टी और क्या आएगा बताओ.
सर और आएगा वन सर ए बी वन टू वन ए वन देन फिर ए टू का अलग से आएगा ए कॉमा टू बी कॉमा वन बी कॉमा टू ए कॉमा वन फिर सर ए कॉमा वन फिर ए कॉमा टू फिर बी कॉमा वन अरे चमक भी रहा है हाँ सर और क्या आएगा बी कॉमा टू ये सारे सबसेट्स है ना तो सारे रिलेशन हैं डेफिनेशन तो यही दी है ना मैंने यहाँ पे क्या आएगा बताओ उसके बाद में ए वन ए टू ए कॉमा वन ए टू है ना हाँ सर तो अब इसका इसका मैपिंग कैसे होगा देखा जाए यहाँ ए लिखोगे यहाँ बी लिखोगे यहाँ ए और बी और यहाँ वन और टू कोई भी एलिमेंट मैप्ड नहीं है ना किसी से भी कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड है क्या नहीं ना डोमेन क्या होगा एम्प्टी सेट रेंज क्या होगा एम्प्टी सेट कोडोमेन क्या होगा टू बी एम्प्टी होगा नहीं कोडोमेन डिफाइन है ना सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन अच्छा हमेशा सेट भी रहेगा किसी भी इसके लिए हाँ यहाँ क्या होगा बताओ सर यहाँ पे डोमेन ए रहेगा और रेंज वन रहेगा डोमेन और कोडोमेन तो वन टू ही रहेगा ए रेंज वन वन कोडोमेन वन कॉमा टू वन कॉमा टू चमक रहा है इसमें बताओ सर इसमें डोमेन ए रहेगा और रेंज टू रहेगा अरे सर ने लिखा ही नहीं है कुछ और भी तो हो सकता है नहीं सही तो बोल रहा हो सोच रहा है डोमेन ए है रेंज टू रेंज टू है सर कोडों में तो हर जगह पे लिखने की जरूरत नहीं मतलब वो तो सेट ऑफ बी रहेगा ना किसी भी केस में लिख देते हैं सर डोमेन बी रेंज वन कोडोमेन वन कॉमा टू सर नेक्स्ट वाला डोमेन बी रेंज टू कोडोमेन वन कॉमा टू बोलो सर डोमेन बी रेंज टू को डोमेन वन कॉमा अरे चमक रहा है क्या हाँ सर यहाँ पे क्या आएगा सर डोमेन ए रहेगा और रेंज वन कॉमा टू रेंज वन कॉमा टू कोडोमेन इज वन कॉमा टू ये बात चमकती है हाँ सर ऐसे ही ये नंबर्स कहाँ तक चलेंगे सर पूरे 16 तक ना हाँ सर कॉपी करो कॉपी करो अपने कॉपी से बाकी लिख लो अपनी कॉपीज में बाकी खत्म करो लिख के ओके सर
कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर आगे का लिख बोला था ना? हाँ आगे का लिख लेना, ठीक है। एक बेसिक फील आ गई ना? हाँ सर वो तो समझ गया, डोमेन रेंज और कोड डोमेन तो समझ गया। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो कैसा है। लेट ए बी 1, 2, 3, 4। Let a relation R be defined A to A. इसका मतलब समझना क्या है फिजिकली, ठीक है। Says that R is equals to R में elements हैं A comma B, where B is equals to A plus 1. ठीक है, क्या मतलब है बताओ सर? जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है तो फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक से बताना है, बिल्कुल बेसिक से बताओ। हाँ सेकंड एलिमेंट आएगा, हाँ वो ए फर्स्ट एलिमेंट के प्लस वन होगा, उसे एक नंबर। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये सारे ये जो एलिमेंट जो ये लोगे ये कहाँ से लेना है समझ में आ रहा है? पहले क्या बनता है हमेशा, ये जो आर होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ subset of a x a। ये बात चमक रही है, तुम सबसेट लिखोगे कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77,
समझ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुमको इस वाले में? व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सर, जैसे फर्स्ट वाले में 1.2 आएगा, सेकंड वाले में 2.3 आएगा और फिर 3.4 आएगा। रुको 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 रुको, मतलब पहले समझो ना करना क्या है। हमारा जो रिलेशन आएगा वो इसी का सबसेट रहेगा ना, ये बात चमकती है? हाँ सर, हमारा जो रिलेशन आएगा वो इसी का सबसेट आना, ऐसा नहीं दुनिया में कुछ भी उठ के आ जाएगा, राइट? तो अभी हमें कौन से एलिमेंट्स लेना है सर, जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से एक नंबर ज्यादा हो, है ना? कौन कौन है बताओ सर? 1.2 है, 3.4। ये बात समझ में आई? हाँ सर। सर रिलेशन में जो इक्वेशन दिया है उसको सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स ही रहेंगे, है ना सर? हाँ, डोमेन क्या है बताओ? 1.2.3 और रेंज है 2.3.4 और कोडोमेन में पूरा कोडोमेन ही है। हाँ सर। और उसका मैपिंग कैसे होगा? मैपिंग इम्पोर्टेंट है, मैपिंग कैसे होगा बोलो सर? ए में 1.2.3.4 और ए में 1.2.3.4 सर। 1 इज रिलेटेड टू 2 सर, 1 से 2 और 3 से 4। यस सर, 1.2.2 2.3 3.4। हां सर। हां, 1.2.2 2.2 3 3.4। ये बात चमकती है क्या? ये फील आती है मैं क्या बता रहा हूं? हां सर। यस सर, कॉपी करिए। उधर भी तो छोड़ दिए हैं दीवार का ऊपर का, तो मंडल सही था, पता है रात रात काम पर खत्म कर गया। मुझे टाइल्स वहां पे था बड़ा लग रहा है। हाँ, वो कहाँ दीवार लगता है, जमीन पे लगता है? जमीन में लगता है, जमीन का पता नहीं लगाएंगे उसको। खुद कर
पता है कितने कितना है। सामने तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है हमको। कॉपी कर लिए? हाँ सर। जो है वो आपका होमवर्क हो जाएगा फिर एनसीईआरटी से 2.1 और 2.2। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके सर। ये चैप्टर 6 से कभी कुछ होमवर्क दिया है कि नहीं दिया है? 6.1 हाँ सर, 6.1 दिया है। 6.1 दिया था पूरा। लीनियर इनइक्वालिटीज है ना? हाँ सर। ठीक। और चैप्टर 5 तो पूरा बोल ही दिया ना करने को तो? हाँ हाँ सर, चैप्टर 5 तो हो ही गया पूरा। ठीक है चलो, ऑलमोस्ट लास्ट है जो बेसिक का है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। देखो इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड टू प्रूव एनी स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू प्रूव सम स्टेटमेंट फॉर mostly naturals, ठीक है, mostly naturals। तो मतलब natural number होगा? natural के लिए ही प्रूफ करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है। अभी देखो कैसा है कि आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन से, देन आपको फील आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रूव दैट ए बी की पावर एन इज ए एन बी एन, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो पहला स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप, आप गिवन स्टेटमेंट को, जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट को आप पी ऑफ एन मान लेते हो। क्या मान लेते हो? P of N. ये पहला स्टेप है, ठीक है। देन एक्चुअली फर्स्ट स्टेप नहीं है वो, मतलब ऐसे मानना होता है, जो स्टेटमेंट है इसको हमने क्या मान लेंगे हम लोग? P of N. हम लोग P of 1 को वेरीफाई करेंगे, P of 1 to be verified, मतलब स्टेटमेंट की वैल्यू एट 1, ठीक है। बताओ हो रहा है क्या वेरीफाई? देखो ए बी की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 1, ट्रू है ना? हाँ सर। ये स्टेप 1 था। दूसरा स्टेप जो होता है, जो इंपॉर्टेंट है, वी एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट to be true for n equal to k। मतलब सुनो ध्यान से, अब हम लोग कहेंगे, we will say
ए बी की पावर के को हम लोग क्या मान लेंगे, ए की पावर बी की पावर के, ये हम लोग क्या मान लेंगे, विल एज्यूम की ये ट्रू है, ट्रू है। स्टेप थ्री, वी ट्राई टू प्रूव ट्रूथफुलनेस ऑफ पी ऑफ के प्लस वन यूजिंग स्टेप टू। ठीक है, ये तीन स्टेप हैं और डिस्कस किया जाए इससे क्या होगा। सो रहे के उसमें सो ना सर, है ना जगह बगल में तो। अरे यहां तक क्लियर है? अब समझो ये इस स्टेप से एक क्यों प्रूव हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है। तो मैं क्या ट्रू प्रूफ करूंगा, पहले देखना ए बी की पावर के प्लस वन को आई विल ट्राई टू प्रूफ ए के प्लस वन बी रेस्ट के प्लस वन, इसको मैं ट्राई करूंगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। क्या होगा इससे, देखो पहले मैं ए बी की पावर के प्लस वन को लिखा ए बी की पावर के ए बी, ये तो लिख ही सकता हूँ। और स्टेप टू से मैंने कुछ एज्यूम किया है ना कि ट्रू है, तो उसको मैंने ऐसा लिख लिया, तो इससे क्या आ गया, दैट इम्प्लाइज क्या प्रूफ कर दिया कि ए की पावर अब स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री दो तीन बार ध्यान से देखो, समझो क्या हो रहा है। तुमने पहले कहा कि पी ऑफ वन ट्रू है, ठीक है? हाँ सर। फिर तुमने क्या माना, पी ऑफ के ट्रू है, तुमने क्या माना, ये फॉर्मूला के पे ट्रू है माना तुमने, और तुमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर k पे ट्रू है तो k प्लस वन भी ट्रू है। तो इससे कैसे फॉर्मूला प्रूव हो गया, इस पूरे सिस्टम से देखो। तुमने स्टेप टू में क्या माना है कि k ट्रू है, ऐसा ज़ूम कर दिया। तो हमने फाइनली हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर अगर p ऑफ k ट्रू है तो k प्लस मतलब कि मतलब किसी भी वैल्यू के इसको दस इसको दो बार बोलो सब लोग, अगर p ऑफ k ट्रू है तो k प्लस वन भी ट्रू है, अगर p ऑफ k ट्रू है तो k प्लस वन भी ट्रू है। और स्टेप वन में तो p ऑफ वन ट्रू प्रूव कर चुके हैं। हाँ सर। तो स्टेप टू में अगर तो अगर p ऑफ वन ट्रू है तो हमने क्या प्रूव कर दिया, p ऑफ टू भी ट्रू है। क्यों क्यों, बिकॉज हमने क्या प्रूव किया है कि k प्लस वन ट्रू है, कि अगर p ऑफ k ट्रू है तो p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है, लेकिन p ऑफ 1 तो ट्रू है, सो p ऑफ 2 इज आल्सो ट्रू, अगर p ऑफ 2 ट्रू है सो 3 इज आल्सो ट्रू, मतलब सारे k के ट्रू है, 4 इज आल्सो तो 4 इज आल्सो, मतलब फॉर एनी इनपुट इट इज ट्रू, यही बात हो गई ना, फॉर एनी फॉर एनी नंबर फॉर एनी इंटीजर, ये क्लियर है थोड़े नहीं, नेचुरल नंबर ना सर। हाँ भाई, सर मतलब हम लोग को बाकी सब तो अज्यूम करना है, बस वन का वैल्यू डाल के चेक करना है और के प्लस वन पे प्रूफ करना है।
हसन सर सब लोग कॉपी हो गया क्या सर एक मिनट एक बार वापस चलाओ मन में क्या लॉजिक है इसका लॉजिक समझो लॉजिक हम लोग पहले क्या मान रहे हैं हम लोग पहले ट्रू किस पे प्रूफ कर रहे हैं वन पे हम लोग पहले ट्रू किस पे कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं n is equal to हां वन पे ट्रू प्रूफ कर दिया फिर हम लोग क्या कर रहे हैं फिर k मान रहे हैं इनको k पे ट्रू मान रहे हैं ना हां सर k पे ट्रू है और उसको यूज करके क्या प्रूफ कर दे रहे हैं कि k plus 1 ट्रू है वैसे लॉजिक क्या बन रहा है सर अगर k plus 1 पे ट्रू है तो किसी भी नंबर पे ट्रू आएगा क्योंकि 1 पे तो ट्रू हमने प्रूफ कर ही दिया तो अगर 1 को फिर डालेंगे तो स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 स्टेप 2 और स्टेप 3 को यूज करके क्या हो रहा है अगर 1 पे ट्रू है तो मतलब कि k plus 1 पे ट्रू है अगर k को वन डाल दिया तो मतलब 2 पे भी ट्रू है तो अगर 1 पे ट्रू है तो 2 पे ट्रू है 2 पे ट्रू है और 2 पे भी तो 3 पे भी ट्रू है और ऐसे करके सारे नंबर्स के लिए ट्रू है और पे भी ट्रू है ये बात चमकती है क्या हां सर इसीलिए इसको इंडक्शन बोल रहे समझा अरे इतना क्लियर है क्या हां सर एक बार वापस देखें क्लियर है सभी को जो भी स्टेटमेंट रहेगा जो भी हाँ एग्जांपल तो बहुत सारे करेंगे जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको क्या मानेंगे अपन के मानेंगे पी ऑफ वन पी ऑफ एन मानेंगे क्या मानेंगे पी ऑफ एन मानेंगे हाँ फिर क्या करेंगे हम लोग फिर पी ऑफ वन पे प्रूफ करेंगे वन पे वेरीफाई करेंगे वेरीफाई करेंगे उसके बाद स्टेप स्टेप टू में इनको k मान के ये अज्यूम कर लेंगे कि n = k के लिए इक्वेशन ट्रू है ट्रू है और फिर हम लोग k + 1 को चेक करेंगे अगर k + 1 पे ट्रू प्रूव हो गया तो मतलब सब नंबर्स के ट्रू हुआ वो अगर k + 1 पे ट्रू प्रूव हो गया इसका मतलब इंडक्शन बन गया ना हां सर क्योंकि पहले स्टेप में क्या प्रूव कर चुके हैं हम लोग क्योंकि पे हम लोग पहले प्रूफ कर चुके तो मतलब 2 पे भी हो गया फिर 2 पे हो गया तो 3 पे भी हो गया अरे क्लियर है क्या सभी को यस सर कॉपी सब लोग कर लिए हां सर चलो ये करते हैं ये आपने बचपन से किया हुआ है ना 1 + 2 + 3 अप टिल n माइनस वन n क्या होता है सम n इनटू ये तो मालूम है ना फॉर्मूला नहीं मालूम है मालूम है सर ऐसे करेंगे प्रूफ बताओ क्या करेंगे हम पहला स्टेप सर पहले पूरे फंक्शन को p ऑफ n मान लेंगे पूरे इस पूरे को p ऑफ n मान लेंगे पहला स्टेप क्या होगा बताओ सर n की वन, जगह पे 1 into 2 by 2 2 और 2 कट गया तो स्टेप 1 वेरीफाई हो गया ना हां स्टेप 2 क्या है स्टेप 2 इज की n को k मान के उसको ट्रू अज्यूम एजम्पशन एजम्पशन कि p ऑफ k ट्रू है मतलब 1 + 2 + 3 अप टिल प्लस k माइनस वन प्लस k की वैल्यू क्या है बताओ सर ये हो जाएगा k k माइनस वन बाय टू k इनटू k माइनस k प्लस वन बाय टू k भाई अरे यहाँ तक क्लियर है हाँ सर सर अभी k प्लस वन पे अभी स्टेप थ्री में k की जगह पे k प्लस वन रख देते टू प्रूफ k प्लस P of k plus 1 true मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा
हम लोग को यही प्रूव करना पड़ेगा ना ट्रू। अरे बोलो भाई हाँ या ना। हाँ सर। नाउ व्हाट? सो हाउ विल यू प्रूव दिस? देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ये हमने इस स्टेप में अज्यूम करी है ना। हो जाएगा क्या? हाँ, हम लोगों ने इस वाले स्टेप में वन से लेके के तक के सम को मान लिया है ना। कुछ क्या मान लिया है? ये ट्रू है ना। के प्लस वन बाय टू रिप्लेस करते हैं प्लस प्लस के प्लस वन। K प्लस वन कितना आ रहा है बोलो, सिंप्लीफाई करो। K प्लस वन को बाहर निकाल लो, क्या बचा? K बाई टू प्लस वन ना। हाँ सर। हाँ सर। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ गया? हो गया क्या प्रूफ? हाँ सर प्रूफ हो गया, K प्लस वन पे प्रूफ हो गया, तो मतलब हर पर के लिए ट्रू हो गया। अरे ये प्रूफ हो गया? Now that implies क्या बोलो? That implies हो गया ना? By induction P of n is true for all natural numbers. For all n. अरे ये clear है क्या कैसे true हो रहा है? बाकी किसी को doubt है तो पूछ लो। सभी को clear है ना कैसे हो रहा है? Sir. हाँ sir. क्या कर रहे हैं? वापस से logic बताओ, क्या कर रहे हैं? जो भी स्टेटमेंट उसको क्या मान रहे हैं? उसको p of n मान रहे हैं। उसको p of n मान रहे हैं, फिर वन पे उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं भाई तुम k पे ट्रू हो। हाँ, फिर उसको n को k मान के बोल दिया कि n of k n equal to k के लिए ट्रू हो गया। और फिर k plus one के लिए उसको प्रूफ करके देखा, वो प्रूफ हो जाएगा k plus one के लिए। अगर k plus one के लिए प्रूव हो गया, इसका मतलब चुकी बेटा वन पे ट्रू है तो तुम टू पे ट्रू हो, तुम टू पे ट्रू हो तो थ्री पे ट्रू हो, सोने की बीमारी क्या? फोर पे भी ट्रू है। हाँ सर, तो मतलब सारे नेचुरल नंबर्स पे ट्रू हो गए। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? के प्लस वन। हाँ बता। वो लास्ट में क्या लिखा है? के प्लस वन और क्या है वो दूसरा ब्रैकेट? के बाई टू प्लस वन। नहीं सर, लास्ट ब्रैकेट ये वाला। हाँ सर। K प्लस टू। ओके सर, थैंक यू सर। नींद कैसे आ रही है भाई पढ़ते पढ़ते? हैं नींद आ रहा पढ़ते पढ़ते उसको, पढ़ते पढ़ते नींद आ रहा है। गद्दा उधर बिछा ले। कॉपी कर लिए? एक सेकंड सर। देखो दीवार पैक किए गया पूरा, और टाइल्स है भैया, पैक कर दिए दीवार ऊपर तक। राहुल अगर 20 साल से यहाँ पर रह रहा है तो जब भी कोविड का घर पहुंच जाएगा। राहुल 20 साल से यहाँ पर रह रहा है तो कोविड होते घर को भाग जाएगा। रब करें? नो सर, एक मिनट। हाँ भाई, रब कर दूं? हाँ सर।
आप लोगों को टेंथ में एपी का सम निकालने आता है? हाँ सर। हाँ सर। इंडक्शन से प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे? स्टेटमेंट को पहले पीएन लिख देते हैं। पहले स्टेटमेंट को पीएन लिख लेते हैं। फिर पहला फिर pn को n से 1 को सब्स्टिट्यूट कर p ऑफ 1 पहले चेक करें। p ऑफ 1 क्या होगा बोलो? इस साइड में p ऑफ 1 क्या बनेगा? 1। और उस साइड में क्या आएगा? 1 स्क्वायर। ये बात चमकती है? हां सर। हां सर। p ऑफ n को p ऑफ k को ट्रू मानोगे राइट? p ऑफ k क्या है बताओ? p ऑफ k भी ट्रू। 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टिल k minus 1 to be true is equals to plus k square, k square. ये true माना है हमने, ये true माना है। क्या माना है? True माना है sir. To prove sir, p of k plus 1 is true. कैसे करेंगे? क्या proof करना होगा बताओ? 1 plus 3 plus 5 plus 7 up till सर 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी k प्लस 1। 2k प्लस 1 तक आ जाएगा ना? यहाँ तक बात समझ में आती है? 2k प्लस 1। हम लोग को यही प्रूव करना होगा ना भाई, हाँ या ना? हाँ सर। मुझे बताओ 2, अच्छा इस वाले सीरीज में 2n माइनस 1 के पहले क्या टर्म आएगा? 2n माइनस 3 आएगा। 2n प्लस 1 सबको क्लियर है? तो यहाँ पर 2k प्लस 1 के पहले क्या आएगा? 2k माइनस 1 था, 2k माइनस। इस वाला फॉर्मूला को हमने क्या कहा है कि भाई तुम k स्क्वायर है, तुम जो हो ट्रू हो, यू आर ट्रू। ओके सो नाउ व्हाट? k स्क्वायर प्लस बोलो 2k प्लस 1 सर। ये फिर a प्लस b होल स्क्वायर का हो गया ना सर। हाँ तो हो गया ना। That implies p of k plus 1 is true. ये बात चमकती है? हाँ सर। Since p of 1 true, now that implies by step 2, step 3 p of n is true for p of 2 true. That implies p of 3 true, है ना? That implies true for all the natural numbers n. यहाँ तक चमकता है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे इस पे, उसके बाद ही मैं आपको दूंगा करने को। आप आज के नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, और जो होमवर्क क्या दिया मैंने आपको बताइए, चैप्टर वन का 1.5 2.1 2.2 2.1 2.2 कॉपी कर लीजिए इसको, जो पढ़ाया अभी कॉपी कर लिए? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसको बोलते हैं पतली बुक ध्यान जीते पे ना। कॉपी कर लिए? हाँ सर। भाई सबने कॉपी कर लिया ना? हाँ सर। चलो ठीक है, जा रहा हूँ फिर मैं। बाय सर। बाय।